परिंदों के प्रदेश में न सिर्फ इंसानों का ध्यान रखा जाता है बल्कि यहाँ जानवरों के लिए भी खास इंतजाम किए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, उत्तर प्रदेश में खुल चुका है एक अनोखा हॉस्पिटल। इस अनोखे हॉस्पिटल का नाम है हाथी हॉस्पिटल। यहाँ देश का एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ हाथियों का इलाज किया जाता है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर चुरमुरा गांव में बना यह हॉस्पिटल। यहां बीमार हाथियों के इलाज के लिए 5 डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। यहां देश भर से बीमार हाथी लाए जाते हैं और उनको बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं। वाइल्ड लाइफ SOS ने इस सराहनीय काम को अंजाम दिया है। यहां हाथियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। ये हाथी हॉस्पिटल इंडिया का पहले हाथी का हॉस्पिटल है और ये हमने एक साल से इसका काम चालू रखा है। एक साल से हम काम शुरुआत किया है और अभी कंप्लीट हो गया और इनॉग्रेशन 16 नवंबर को हुआ है। जी, पहले जो ये हॉस्पिटल का बंद खोल के रखा था, जो हमारा रेस्क्यू करके रखा वो हाथी का भी इलाज करने के लिए। इन फ्यूचर में कोई भी हाथी का ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। ऐसे हाथी का वजन करवाने के लिए बैलेंस वेइंग बैलेंस रखा हुआ है जमीन के प्रॉपर में, और हमारे पास इधर एक्सरे मशीन है, पोर्टेबल है। अभी आप लेते हैं हाथी का थोड़ा बहुत टांग में सस्पेक्ट किया करके देखा था, अच्छा है, फिर उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। देश में जहां एक और जानवर सड़क पर ही मर जाते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की इस अनोखी पहल से पूरे देश के हाथियों को जीवन जीने की उम्मीद मिल रही है। देश का पहला हाथी हॉस्पिटल यहाँ मथुरा के पास चुरमुरा गांव में खोला गया। अभी 5 दिन पहले आगरा के कमिश्नर आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया। तो देश भर के जो हाथी बीमार हाथी आएंगे उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्रवीण कुमार शर्मा, ETV भारत, मथुरा।